अच्छा नियोजन है कि उन्होंने कूपन बनाया और कूपन को एक टाइम से सबको एक दे दिए उस टाइम पे आके ले जाने। मंडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमें जरूरत लगता है उससे हमें एक गुना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है। भगवान ने अल्लाह ने मंदिर मस्जिद सब बंद किया है, वो बोला आप सुधरो तो हम सभी को दुआ मांगना, रमजान में जो दुआ मांगते वो अल्लाह ताला सुनना ही पड़ता है, भगवान को सुनना ही पड़ता है। इच्छा थी कि हमारा मिशन हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ राशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने भिवंडी में वो शुरुआत की है। दो तीन दिन से तो काल भाई वितरण कर ही रहे हैं, बट आज हम यहाँ पर आके हमने वितरण किया है। और हज़ारों की भीड़ की मत करें, 100 की भी मदद कर दे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वक्त के अंदर अभी महात्मा ज्योतिबा फुले प्लस प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत हॉस्पिटल लेता है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपये पास होता है। आपको डॉक्यूमेंट में राशन कार्ड चाहिए, कोविड की रिपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरा भी नंबर रख सकते हो। जो आज राशन वाटप का ये कार्यक्रम किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था और कहाँ कहाँ वाटप हुआ? आज महिला अल्पसंख्या जो है प्रदेश के हमारी सुल्ताना खान मैडम जी और हमारे इमरान खान यहाँ के इकबाल हमारे जो इधर के भिवंडी के, तो बहुत बड़ी बात है क्या ऐसे टाइम में लोग घर से बाहर निकलते नहीं। और सुल्तान मैडम एक लेडी रह के भी महाराष्ट्र बद की सदस्य है हमारी महिला अल्पसंख्यक की, आज भिवंडी पहुँच चुकी है। वो सभी ज़रूरतमंद इस थैली में आज पैकिंग करके लाए मुंबई से, आज हमारे हाथ से आज हम सबको दे रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है, जो बहुत अच्छा नियोजन है कि उन्होंने कूपन बनाया और कूपन को एक टाइम से सबको एक दे दिए उस टाइम पर आके ले जाने का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा नियोजन है। नहीं तो लेकिन इकबाल भाई का बहुत अच्छा नियोजन है और इस नियोजन के माध्यम से जो पास दिया गया जिसको देना है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि रिक्शा वाले आज बहुत परेशान हैं। इकबाल भाई बहुत अच्छा तरीके से उनको भी आज दिया गया, बहुत से रिक्शा वाले से मैं मिला भी तो बोले बहुत बड़ी बात है कि शुरुआत हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी में हर काम बीजेपी शुरुआत करता है, महाराष्ट्र में बीजेपी शुरुआत करता है, पूरे भारत में हर काम बीजेपी शुरुआत करता है, चाहे वो किसी को खून देने के बारे में हो या तो महंगा हॉस्पिटल में एडमिट के बारे में हो, कोई भी चीज़ के बारे में। आज भी भिवंडी में शुरुआत हमारे कल आमदार ने महेश चौधरी ने बहुत अच्छा नियोजन किया है, उन्होंने हेल्पलाइन चालू किया है कि कोविड का पेशेंट मतलब वो सब देखने का नज़र अलग होता है, तो कल से बहुत अच्छा नियोजन किया आमदार ने क्या जो जो पेशेंट जहाँ जहाँ है उनके जो फैमिली जो जो दवाखाने के बाहर बैठे उनको फूड पैकेट बना के भेज रहे, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। आज हमारे सुल्ताना मैडम के माध्यम से प्रदेश के महिला अल्पसंख्यक के माध्यम से इकबाल भाई ने बहुत अच्छा बड़ा काम किया है। आज ना एक सवाल है कि आज राशन से ज़्यादा जरूरत ऑक्सीजन की, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज मैं बहुत फख्र से बोलता हूँ, बहुत जिम्मेदार से बोलता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ भिवंडी में और मैं एक नगर सेवक भी कई सालों से हूँ। आज हमको हरदम महापाली को लोग आरोप करते थे, ये बार हमारे जो कमिश्नर है पंकज आशिया जी बहुत अच्छे एक आयुष कमिश्नर है और पूरी टीम और महापालिका के प्रशासक महापौर, आज खुदा बख्श में आज भी कितना अगर 85 के नीचे भी पेशेंट नहीं रहता हम लोग उनको एडमिट कर रहे हैं। तो भिवंडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बहुत अच्छे वाडा के कंपनी से कमिश्नर ने बहुत अच्छा गवर्नमेंट से टाइप किया है, जितना हमें जरूरत लगता है उससे हमें एक गुना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है। और प्राइवेट का भी आयोजन हमने खुद भी जहाँ जहाँ नगर से हम लोग ने ऑक्सीजन की व्यवस्था किया है, हम घर में पार्टी उनको ऑक्सीजन दे जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नियोजन हर जगह होएगा अच्छा तो तकलीफ दूर होती है। मैंने हमारे जो प्रवीण देरेकर जी उनसे बातचीत किया, प्रशांत लाट से बातचीत किया हूँ, तो उन लोग बोला जैसा लगे आपको तो ऑक्सीजन हम लोग आपको भेजेंगे। तो हमारी तैयारी है जहाँ भी ऐसा लगा भिवंडी अब तक मजबूत स्ट्रांग चल रहा है, लेकिन अल्लाह और भगवान का बहुत बड़ा हमें ताकत यहाँ पे क्या हर चीज़ लड़ने में हम लोग बहुत लड़ लेते, तो ऐसी कुछ कमियाँ आती भी तो हम सभी का जैसे इंजेक्शन के आप बोलते हो जो लोग ब्लैक में भेज रहे हमारे महापालिका में ऐसा पड़ा है 150-200, मतलब आज बहुत बड़ी बात है कि भिवंडी महापालिका का जीता जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ इंजेक्शन है हमारे पास फ्री, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बहुत अच्छा लगता है बोलने को, आज हमारा कोविड तो बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हमें बचना है और उसकी तैयारी भिवंडी महापालिका ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे अभी अपंग जो लोग हैं और जो घर पे ही बैठे हैं, तो हमने 3 दिन पहले का एम्बुलेंस और खुद रिक्शा सब चालू किया है जिसके माध्यम से अगर कोई गरीब आदमी 65 साल का उसको जाना आना होता है उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था की, अपंग जो है उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था किया है, वैक्सीन लेके जाएगा और लेके आएगा, और जिनको 3 दिन से खांसी है बुखार है घर पर ही बैठा है वो चल सकता नहीं कि कोई उसको मदद कर सकता नहीं, तो महापालिका के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सभी नगर से पदाधिकारी 8-10 नाम निकाल रहे हम लोग वहाँ जाकर टेस्ट कर रहे, ऐसा लग रहा है हमें कि इसको कोविड हो चुका है रिपोर्ट में आएगा तो उसको महापालिका व्यवस्था वहाँ पर लेके जाते
और अगर कोई जिसको हुआ है उसको घर पे रह सकता है उसको घर पे दवा का व्यवस्था किया, मतलब बहुत अच्छा एक नियोजन हमें प्रदेश से मिला। रमजान का पवित्र महीना चालू है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं तो रमजान ने मेरे बहुत से मुस्लिम भाई जो है ये उनका पूरी दुनिया में जहाँ भी मेरे मुस्लिम भाई, आज एक महीना ऐसा रहता है बहुत पवित्र रहता है। अगर कोई कुछ गलत भी किया तो वो सोचता नहीं है मैं रोज़ा रखे हुए मैं उसका पूरा करूँगा। तो मैं तो मेरे भाइयों से जो आपके HMD और बाकी BYD मिरर से अगर सुनते हो इतना ही कहूँगा कि हम सभी को अभी भगवान ने अल्लाह ने मंदिर मस्जिद सब बंद किया है, वो बोला आप सुधरो, तो हम सभी को दुआ मांगना है। तो रमज़ान में दुआ मांगने से भगवान जल्दी सुनता है। तो मैं बस एक ही विनती करूँगा आप लोग को कि अभी दुआ ऐसा मांगना है कि ये रमज़ान जैसे ईद बनाने के बाद या ईद आते आते ये कोविड ख़त्म होना चाहिए, और आप लोग का दुआ बहुत जल्दी लग जाएगा जिसमें सभी जो भारत में क्या पूरे दुनिया में जो भी समाज के लोग हैं उनको बहुत उसका असर होगा। तो ये जो रमज़ान में जो दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला सुनना ही पड़ता है, भगवान को सुनना ही पड़ता है। तो सभी को विनती है कि आप सभी लोग रमज़ान के महीने में और आने वाला ईद है जो 20-25 दिन बचा अपने पास उसको अच्छे से बनाना है। मेरा सवाल सैनिटाइजर की मशीन और फॉगिंग को लेकर था, महानगर पालिका को वापस से शुरुआत नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा? मेरा आपका जवाब मैंने आपका जवाब ही दिया मैंने कि उस वो जरूरत नहीं है, ये जरूर है। वो सैनिटाइजर तो कोई कोई भी मरता नहीं, वो खाली दिल को तसली थी जब भी कुछ नहीं करते थे अपन, नहीं तो कोई भी अगर आता उससे कोई अगर फर्क पड़ता था तो होता था, इसलिए उसमें कोई कुछ हो नहीं रहा था। ये मैंने समझा जाए उसको, अभी उस टाइम जरूरत थी समझो, उस टाइम कोई पता था उस टाइम को जरूरत थी तो अपन पढ़े, आज अपन समझ गए ना क्या है, जैसे कोई भी चीज़ समझ जाते तो अपन आगे उसको ऐसा ले लेते। तो आज मैं एक जिम्मेदार से बोल रहा हूँ कि जो चाहिए जो जरूरत चीज़ आज आज सभी जगह ICU रूम है अपने पास, ऑक्सीजन सेंटर पड़ा है, 85 से 90 अपन पेशेंट ले रहे हैं। तो आप सब समझ जाते, मैं आज बातें कर रहा हूँ, मैं किस किस बेस में बातें कर रहा हूँ, मैं तो कोई डॉक्टर कुछ हूँ नहीं, एक साल से मैं भी इसमें काम किया, आप लोग भी सब काम किए। मैडम आज भिवंडी में आप लोगों ने जो राशन वितरित किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मेरी एक इच्छा थी कि हमारा मिशन हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँचाए राशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने भिवंडी में वो शुरुआत की है, और आज हमने भिवंडी में 200 किट हमने शुरुआत की है, और साथ में हमारे इकबाल भाई हैं जिन्होंने 100 किट का वितरण किया है, और इंशाल्लाह 2-3 दिन से तो इकबाल भाई वितरण कर ही रहे हैं, बट आज हम यहाँ पर आके हमने वितरण किया है। और मेरी एक ही है इच्छा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं आज जिनको हकीकत में सच में ज़रूरत है राशन की, उनको हम लोगों ने राशन दिया है, और आगे भी इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हम लोग 2 दिन के बाद हमारा मुमरा दौरा है, मुमरा में जाके भी हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे बिलाल भाई हैं हमारे, और वो हमारा साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हमारे भिवंडी के अध्यक्ष महोदय शेट्टी जी, संतोष शेट्टी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस एक नेक काम में हमारा साथ दिया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर कोई अगर हमारे साथ जुड़ के इस ऐसे कोविड के टाइम पे लोगों की मदद करने आगे निकलें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जिस वक्त पे काफ़ी लोग हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, तो उनके लिए अगर हम लोग चाहें तो ऐसा एक हमारी एक जो हमारी इच्छा है तो उसमें अगर सब लोग मिलकर हमारा साथ देंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है, जैसा कि हमारा सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फ्री भोजन फ्री किया है, ऐसा देखा जाए तो उनके जो घोषणा है जो दावे है सिर्फ खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे मैडम इस बारे में? वो बिल्कुल खोखले हैं, उसके लिए तो मतलब आप खुद ही देख सकते हैं और आपको भी सब कुछ पता है, उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बारे में खुद पता कर सकते हैं कि ये सब खोखले वादे हैं, कोई वादे पूरे नहीं होते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग खड़े होकर सामने कुछ मदद कर दे तो वो हमारे लिए, हम कहते हैं हज़ारों की भीड़ की मत करें, 100 की भी मदद कर दे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये वक्त पे। मैडम किन किन शहरों में राशन वितरित किया गया, और अगर वो अगर किसको ज़रूरत है तो वो किस तरह से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? जी हमारा FB पे हमारे FB पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं सुल्ताना खान बैम्स करके। और सेकेंड बात, हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे वितरण किया है, और हमारा अभी जो अभी शुरुआत हुई है, आज से शुरुआत हुई है, हमने पहले नहीं किया था बट आज से शुरुआत हुई, क्योंकि अभी कुछ 13 दिन पहले ही हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा हम मतलब ऐसा नहीं था कि हम वो चीज़ कर सकते थे, बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। तो लेकिन हमने ये शुरुआत, अब हम बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक ही, मेरी माँ की भी एक इच्छा थी कि बेटा कभी भी अगर तुम्हारे आजू बाजू कोई तकलीफ में है तो पहले उसकी मदद करो, तो आज अपनी माँ की
इतनी सी इच्छा पूर्ण करने के लिए आज मैंने शुरुआत की है। बस आप लोग का पूरा सहयोग हमको चाहिए है और हर जगह जहाँ पर भी आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं वहाँ पर आप कर सकेंगे। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम भाजपा वाले पहले शुरुआत करते, बाकी पार्टियाँ क्यों नहीं करती? देखिए ये सब अपने अपने ऊपर होता है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हम भाजपा वाले हैं और हम शान से कहते हैं कि हम भाजपा वाले हैं। हमारे ऊपर हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल साहब का हमारे पर आशीर्वाद है। उसके अलावा हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब और नव भारतीय शिववातु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अराफा शेख साहब और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी एजाज देशमुख का नेतृत्व से और मार्गदर्शन से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अगर वो हमको सपोर्ट ना करें तो हम यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते हैं। सर, कोविड को लेकर कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकली, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल शेख। मेरा लोगों से ना ये यानी मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे भी जो कोरोना की महामारी फैली थी उस टाइम पे भी महात्मा ज्योतिबा फुले प्लस प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत बहुत सारे लोगों को अपनी स्कीम में डाल के फ़ायदा पहुँचाए थे। वो टाइम पे तो मैंने 5 लाख 6 लाख वो भी किया था। यानी जो अमाउंट आएगा ना वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जाता है। अभी ऐसा है कि अभी एक लास्ट से ना 2 दिन पहले क्या हुआ, सफायर हॉस्पिटल है थाना में, वहाँ पर एक पेशेंट को मैंने एडमिट कराया ना, तो वो लोग क्या बोल रहे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, मैंने उसको फ़ोन किया हॉस्पिटल में, तो वो लोग बोल रहे कि यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम अभी नहीं है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैंने उन लोग की हेल्पलाइन पे बात भी किया, बाद में वो पेशेंट को एडमिट करा के 1.5 लाख रुपये उसको पास भी हुए और आज वो डिस्चार्ज भी हो गया। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई कभी भी कोविड है या ऐसा तो 700 बीमारी है, मगर कोविड के अंदर अभी महात्मा ज्योतिबा फुले प्लस प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत हॉस्पिटल लेता है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपये पास होता है। आपको डॉक्यूमेंट में राशन कार्ड चाहिए, कोविड की रिपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरा भी नंबर रख सकते हो, फेसबुक पे मेरे आईडी है मोहम्मद बिलाल शेख, उसके अंदर मेरा नंबर वगैरह भी है। हॉस्पिटल के ताल्लुक से कोई भी चीज़ की ज़रूरत है कभी भी मेरे को आप तुरंत फ़ोन कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8779750838।